समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद राम गोविंद चौधरी को पीजीआई में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि तबीयत खराब होने के बाद राम गोविंद चौधरी को मेदांता में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनकी कोरोना जांच हुई। जांच रिपोर्ट में राम गोविंद चौधरी कोरोना संक्रमित निकले हैं। वहीं रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें मेदांता से पीजीआई में शिफ्ट किया गया है। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद राम गोविंद चौधरी के संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू हो गई है। पता चला है कि उन लोगों को क्वारंटीन किया जा सकता है। इसके बाद 14 जून को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इलाज के लिए उन्हें सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके अलावा सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे और विधायक शैलेंद्र यादव ललई कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बुखार होने पर लखनऊ में उन्होंने 15 जून को अपनी जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट 16 जून को आई, जिसके बाद उनकी तरफ से कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी गई। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।